वहीं नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें 11 सहयोगी दलों के नेता भी हैं और शपथ लेने के बाद सोमवार को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। वहीं पीएमओ पहुंचने पर कर्मचारियों ने मोदी का स्वागत भी किया। वहीं सोमवार शाम 5 बजे पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की पहली बैठक और उसके बाद डिनर होगा। वहीं बैठक में मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जा सकते हैं, साथ ही सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा भी होगी। यह तय माना जा रहा है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह के विभाग नहीं बदले जाएंगे। पहले की तरह ही शाह गृह मंत्री और राजनाथ रक्षा मंत्री बने रहेंगे। सबकी नजर गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP और जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के मंत्रियों को मिलने वाले विभागों पर रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट में शामिल पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की उम्मीद है। वहीं मंत्रिमंडल में 32 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनमें MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर और कर्नाटक के पूर्व CM कुमार स्वामी और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी शामिल हैं।